हाय, मैं हूं रिकी शर्मा। एमटीवी रोडीज की लाइन में धक्के खाते हुए काफी टाइम से मैं आ भी रहा हूं, और आज एमटीवी रोडीज के अंदर एक लड़की और आई है, उसका इंटरव्यू हम करते हैं। उसको लगा कैसा रोडीज का ये फॉर्मेट, और बात करते हैं उनसे। सबसे पहले उनका नाम जानते हैं, तो मैं कहूँगा कैमरा मैन को पहले देखिए रोडीज का कुछ फॉर्मेट है एमटीवी का, कुछ दिखा दें यहाँ पे। और मेरे साथ जो लड़की है, हाय, नाम क्या आपका? सुजाता। मैं रिकी शर्मा। नाम क्या बताया आपने? सुजाता रानीश्वर। बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है आपका, है ना? हाँ, मेरे को इतना बड़ा नाम भी नहीं लेना आ रहा, ठीक है। और आपको रोडीज कैसा लगा? बहुत बढ़िया, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। पहले बार मैं आई हूँ ऑडिशन के लिए, बस थोड़ा लाउडली बोलना वैसे। बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, ये मेरा पहली बार ऑडिशन था। सो अब की बार रोडीज के अंदर, रोडीज पहले से आप देख रहे हैं? कभी देखा आपने पहले? हाँ, मैंने देखा था टीवी में देखा था। yes. लेकिन उस टाइम पे जज कौन थे? उस टाइम में तो मतलब कि जो बीच में बदलते रहते थे, जज बदलते रहते, आपने उस फॉर्मेट में देखा? सॉरी, जैसे जज बदलते रहते थे, हाँ हाँ, उस फॉर्मेट में आप? मैंने जस्ट रणविजय सर के टाइम में देखे थे। okay. और इस बार में जब हुआ था, इस बार में नहीं देख पाई, सो दिस टाइम मैं खुद आ गई, खुद ऑडिशन देने। आई वांट टू सी इन फ्रंट, यू नो, फेस टू फेस नाउ। अब की बार रणविजय सर नहीं है? yes. और उससे पहले रघु और राजीव थे ना? yes. वो आउट हो चुके हैं। और आपको क्या लगता है रणविजय की दोबारा वापसी होगी? आई होप सो। I'm wishing for, you know, that, because I want to see them again for the Roddies, and I want to, you know, be part of the Roddies for them only, because I love them so much. Okay. Their work is too good. Ranveer. Yeah. ओके, तो आपकी उम्मीद है कि रणविजय आए दोबारा? yeah. और दूसरी yes. बात, मैम सेकंड थिंग, कि आप हिंदी बोलना, क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आता, इतना मेरा प्रॉब्लम है, हर जगह मेरे साथ यही प्रॉब्लम होता है। हाँ, कोई बात नहीं। तो हो गया ये, देन आप ये सोचो कि आपका सिलेक्शन हो जाता है, देन yes. आपके पास कॉल आती है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आप क्या करेंगे अलग, जो अभी तक करते आए थे वो उसको छोड़ो, उससे डिफरेंट क्या करने की कोशिश करेंगे? कोशिश करूँगी थोड़ा सा और एडवेंचर जो करना है, उसके लिए मैं फिटनेस के लिए प्रिपेयर करूँगी, वर्कआउट एंड ऑल, एंड देन या। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर आपको टक्कर देने वाले कितने पार्टिसिपेंट आए हुए यहाँ पे, कि यार ये बंदा बंदी मेरे को टक्कर दे सकता, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बट मेरे नज़र में से मैंने आज जो देखा, आई डोंट थिंक कि कोई था मेरे टक्कर। अच्छा, I'm the best. ओके, कोई था नहीं या था? नहीं था मेरे। अच्छा, आप आपकी नजर में कोई नहीं था? हो गया, तो मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि यार रोडीज के अंदर सिर्फ मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मेरे टक्कर में कोई नहीं है, और मेरा कॉम्पिटिटर कोई नहीं है ना? कोई नहीं है। आपका रास्ता साफ है। yeah. अभी मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि गलती से भाई दिवा एक चांस मिलता है, रघु और राम जो भी रण, दोनों भाई जो गंजे जिनको बोलते थे, इन्होंने रोडी शुरू किया था, उनके सामने आप पर्सनली उनको के लिए एक चांस दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा? मैं बहुत लकी फील करूँगी, क्योंकि वो मेरा ड्रीम है, उनके सामने जाके अपना इंट्रोडक्शन देना और अपने बारे में बताना, और उनके साथ रोडीज में जाके एडवेंचर, यू नो, करना करना। तो फाइनली हमारा निकल के ही आता है आपकी जजमेंट का, पता नहीं मेरी जजमेंट जो कहेगी, जो जिन्होंने शुरू किया था फॉर्मेट, बनाया था रोडीज का, मुझे लगता कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा था रघु और वो दोनों। हाँ, मेरे लिए भी वे बेटर। और एक उनसे एक चीज़ ये कि जैसे हम किसी रियलिटी शो से निकलते हैं या कोई हमें धक्के मार के बाहर निकालता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब कि डिप्रेशन में जाना चाहिए या टेंशन लेनी चाहिए या नहीं, मतलब कि आपकी एडवाइस क्या है जो कि लोगों को बताएंगे? मेरे एडवाइस में से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द लाइफ जर्नी, यू नो। ओके, तो फाइनली मैं बता देता हूँ कि रघु और रघु ना इंडियन आइडल में गया था भाई, और उसके बाद उसको इंडियन आइडल से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, देन उसके बाद रोडीज बनाया, और रोडीज के अंदर पता नहीं क्या क्या होता है, देन उसके बाद में फराह खान उसमें जज थी, तो उस जज ने फराह खान ने एक वो ऐसे रखना ऐसे ऐसे वो उसे हो जाएगा, फराह खान ने एक मूवी आई थी जिसमें अक्षय कुमार ये दोनों 30 मार खां, उसमें उनको चांस भी दिया, तो कहीं ना कहीं ये लोग हमसे कनेक्टेड रहते हैं, हमें प्यार करते हैं, तो थैंक यू सो मच मैम। इंस्टा आईडी और बता दो आपने? सुजाता ईश्वरी। भाई बहुत ही लंबी चौड़ी इंस्टा आईडी, ठीक है, रिकी शर्मा एंटरटेनमेंट मेरा यूट्यूब चैनल है, रिकी शर्मा एंटरटेनमेंट 1 मेरा फेसबुक है। ओके, बाय, थैंक यू।